हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत, तो आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री करना 83वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन यानी कि कैनिजारो अभिक्रिया लिखेंगे बेटा। किसी बेस की उपस्थिति में, किसी बेस की उपस्थिति में दो समान अल्फा हाइड्रोजन लेस अर्थात ऐसे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स किसी बेस की उपस्थिति में दो समान अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हीट करने पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। किसी बेस की उपस्थिति में दो समान अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हीट करने पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देते हैं तथा बनाते क्या हैं, तथा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा सॉल्ट बनाते हैं। यह रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। यह रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नोट कर लो थ्योरी। अब देखते हैं रिएक्शन। ये बेटा कैनिजारो रिएक्शन जो है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। देख लीजिए,
ये एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड लेना है बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और समान मॉलिक्यूल का मतलब ये भी फॉर्मेल्डिहाइड तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए, दो मॉलिक्यूल। मैंने ये तो बोला था जब दो अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड समान मॉलिक्यूल है किसी बेस मतलब NaOH या KOH बनाते हैं HCOH H प्लस HCOOKONA या इधर लिख दूं। दूसरा मॉलिक्यूल है प्लस एच सी डबल वन ओ ओ एन ए, सोडियम साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन कहलाई बेटा कैरी जारो रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, देखो ठीक है, बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, दूसरा बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, दूसरा बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ठीक, उपस्थिति है किसकी बेटा NaOH या KOH ले लो, बनेगा बनेगा ये बेटा बेटा ठीक प्लस दूसरा मॉलिक्यूल सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, ये सॉल्ट बना सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट ये बन गया आपका बेंजिल अल्कोहल, क्या बन गया बेंजिल अल्कोहल, ये बना आपका मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाई बेटा कैनी जारो रिएक्शन, इसे हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन तथा रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, हो गया। अब देख लेते हैं बेटा मैकेनिज्म, हेडिंग डाल दीजिए बेटा मैकेनिज्म, हेडिंग डाल दीजिए मैकेनिज्म अभिक्रिया क्रिया विधि, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप, स्टेप फर्स्ट देखें, अर्थात इस अभिक्रिया की क्रिया विधि निम्न पदों में पूर्ण होती है, स्टेप फर्स्ट पहले स्टेप में NaOH
आयनित होता है, क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक, स्टेप सेकंड, इस स्टेप में क्या होगा बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल है OH वो अटैक करेगा, वो वाला दिखा दो, एलिफैटिक एल्डिहाइड। ठीक, ये अटैक कर रहा है, ये बंद शिफ्ट होगा यहां पर। ठीक है, O नेगेटिव CH यहां पर, OH यहां पर, H यह ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। स्टेप थर्ड में देखिए क्या होगा, स्टेप थर्ड में ये जो ऑक्सोनियम आयन है बेटा, क्या कर लेगा ये, बनाएगा यहां। ठीक, ये यहां पर ये हुआ, बना ये ओ डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, ठीक, प्लस एच सी ओ नेगेटिव आयन, और ये एच, और ये एच यहां पे आ गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। ठीक, अब क्या होगा बेटा, यहां से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और बना लेगा प्रोडक्ट फाइनल। ठीक है, ये यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा ये एच सी ओ एच एच एच, एल्कोहल बन गया, ये रहा आपका दूसरा एच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये नेगेटिव आयन किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये सोडियम साल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट है, और यह है मेथिल अल्कोहल। ठीक है बेटा, ये आपकी मैकेनिज्म। ठीक है, देख लीजिए यहाँ स्टेप फोर्थ से बना दीजिएगा ये। ठीक है, तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।